तुझ पावन हितकारी, मंगल मूर्ति तुम उपकारी, शिव शंकर के राज दुलारे, शुभ और लाभ को देने वाले, संकट सबके हरने वाले, भव से पार लगाने वाले, शीश नवा आरती को गाई, चालीस गा मुक्ति फल पाई, मोदक का हम भोग लगाए, पावन इनकी जन्म कहानी, वेद पुराणों ने जो बखानी, आओ भक्तों तुम्हें सुनाए, श्री गणपति के नाम का भक्तों धर लो ध्यान, मुक्ति का फल पाओगे, पाओगे निर्वाण, देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, बोलो देव गजानन नाम पूरन हो जाएंगे काम, शिव शंकर तप में थे बैठे, शिव गण अपना काज थे करते, माँ गौरा ने मन में सोचा, जया विजया को साथ में लीन्हा, नंदी को आदेश था दीन्हा, शिव जी जब तंद्रा में आए, महल में आई, सखियां तन उबटन थी लगाई, जया के मन में प्रश्न था आया, हम तीनों हैं महल के भीतर, पहरे पर ना कोई बाहर, क्या हो कोई भी कर आ जाए, सखी हो जाए, वेद पुराणों ने गाई है गणपत कथा महा, परिचय जो बोझा, माँ का लाल हूँ बालक बोला,
जाना।
पूज बनवाया, प्रेम से शीश पे हाथ फिराया, माँ गोरा तो लाड लड़ाए, जन्म दिवस तुम्हारा है मनाते, झूम झूम कर तुम्हें मनाते, देवा की जयकार लगाते, आरती और चालीसा भानु दुलारी, श्री राधे कान्हा की प्यारी, से नैया पार है करनी, सृष्टि सारी राजकुमारी, इस सृष्टि का मरम है, राधा नाम मोक्ति का धाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम, हो करुणा की यह अमृत धारा, सारे सृष्टि को है तारा, इस जग के स्वामी श्री राधा
सब अंतर्यामी। संग श्री राधा साजे हो तीन लोक में डंका बाजे। चंदा और सितारे श्री राधे का नाम उचारे। ओ पूरण करती सबकी आशा। आराधन हो तन मन धन सब कुछ है अर्पण। ओ राधा रसिकों की है प्यारी हो राधा है भक्तों की दुलारी। राधा नाम की है मतवाली। हर कोई राधे राधे उचारे। जिसने राधा नाम को गाया मोक्ष परम पद उसने पाया। तुम प्राण आधार
श्याम को पाया। कृपा मैं पाऊं राधे नाम लो सुबह शाम, राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ विहारिणी श्याम आधारा, अमित बोध मंगल दातारा। संग ललिता दिक है सकिया, ओ यमुना तीरे करती बतिया। राधा रानी ओ दिन कर कन्या कुल विहारिणी। दिना बस तुम्हें मनावे गाए, एक राधा का नाम सुनाए। श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी। सकल सुख सारा ओ रसिकन जीवन प्राण आधारा। राधे
दुख नाशिनी राधे। हाथ मेरा तुम लेना था राधे रानी तुम्हें प्रणाम। ओ जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। कृष्ण है, कृष्ण है राधा, ओ एक रूप दो प्रीति अगाधा। अमंगल मूल न सावन, हो विविध ताप हर हरि मन भावन। तिलक ने महिमा गाई, राधे रानी रहना सहाय। विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक श्री गणेश की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम गौरी नंदन श्री गणेश की जन्म कथा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, श्री गणेश जी विघ्न विनाशक तो है ही, इन्हें सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय का वरदान भी प्राप्त है। यदि श्री गणेश प्रसन्न रहे तो माता लक्ष्मी का निवास स्वयं ही भक्तों के घर में हो जाता है। श्री गणेश ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री गणेश की ये पावन कथा। गणपति जी का सुन लो भक्तों, कैसे हुआ अवतार। ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है बारंबार। श्री गणेश की कथा ये भक्तों बड़ी ही पावन है। श्री गणेश जी कृपा करें जो करता श्रवण है। शिव पुराण में मिलता है श्री गणेश कथा वर्णन। भक्तों अब तुम सभी ध्यान से सुनो लगा कर मन। एक बार गौरा माता जी कर रही थी स्नान, तभी अचानक पहुंच गए हैं शिव शंकर भगवान। लज्जा बस माता के नेत्र फिर झुक ही जाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जनों, एक बार की बात है, माता गौरा जब स्नान कर रही थी तो अचानक वहाँ भोलेनाथ पहुँच जाते हैं। लज्जावश माता का स्नान अधूरा ही रह जाता है। तब माता गौरा ने सोचा, शिवगढ़ तो कोई भोलेनाथ को रोक नहीं सकते, अतः महल के द्वार कोई ऐसा दरबान होना चाहिए जो मेरी आज्ञा के बिना किसी को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे। माता को इसका एक उपाय सूझा। माँ को शिव का अचानक आना रास नहीं आया। माता ने अपनी काया से फिर उबटन छुड़वाया। अपने उबटन से माँ ने एक पुतला बनाया है। उस पुतले की बालक के जैसे ही काया है। माता फूकना चाहती है उस पुतले में फिर प्राण। यही समझकर माता ने किया भोलेनाथ का ध्यान। फिर माता ने उसके कान में मंत्र फूक दिया है। मंत्र की शक्ति से पुतला भी जीवित हो गया है। पुतला माँ ने बनाया था, अब प्राणा जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। स्नान और ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए, यही सोचकर माता ने अपने उबटन से पुतला बनाया था और अपने मंत्र की शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए ताकि माता के स्नान में कोई विघ्न ना आए। श्री गणेश जी को इसीलिए विघ्न विनाशक भी कहते हैं। सर्वप्रथम बालक ने माता को प्रणाम किया। माँ गौरा ने भी है उसको आशीर्वाद दिया। बालक बोला, माता जी बतलाओ मेरा काम। जिसके लिए किया है आपने माँ मेरा निर्माण। गौरा माँ ने फिर तो विनायक को है दिया आदेश। मेरी आज्ञा बिन कोई भीतर करे नहीं प्रवेश। अब से विनायक तुम समझो मेरी ही हो संतान। कंदरा द्वार पे पहरा देना बन करके दरबार। माँ की आज्ञा पाके विनायक शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। विनायक ने शीश झुकाकर बोला, हे माता, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बनाया है कृपा करके मुझे आज्ञा दें। तब माता गौरा कहने लगी, हे विनायक, तुम कंदरा के द्वार पर दरबान बनकर पहरा देना और इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मेरी आज्ञा के बिना कंदरा के भीतर प्रवेश ना करे। अब मुझे स्नान करने को जाना है, तुम कंदरा के द्वार पर जाकर पहरा दो। पहरेदार बन कर के विनायक बैठ ही जाते हैं। भोलेनाथ इतने में कंदरा द्वार पे आते हैं। देखा कोई बालक बैठा बन कर के दरबान। भोलेनाथ
उस बालक को तो ना पाए पहचान। कंदरा के भीतर प्रवेश जो भोले ने करना चाहा, झट से वो बालक है फिर भोले के सामने आया। कहने लगा बाबा मेरी माँ ने दिया मुझे आदेश, उनकी आज्ञा बिना करे ना कोई भीतर प्रवेश। आप बताओ किस अधिकार से भीतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विनायक ने भोलेनाथ को भीतर जाने से रोक दिया और कहने लगे कि हे बाबा, मेरी माता का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, अतः मैं आपको कदरा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा। अनजान बालक के वचन सुनकर भोलेनाथ को बड़ा ही विस्मय हुआ और विनायक से कहने लगे, कौन हो बालक और बताओ कहाँ से तुम आए, हम हैं भोलेनाथ हमें पहचान नहीं पाए। जिस माता की तुमने बालक आज्ञा है मानी, उसी तुम्हारी माता के हैं हम तो स्वयं स्वामी। पहले विनायक ने उनको है अपना परिचय बताया, कहने लगे माता ने मुझको पहरे पर बैठाया। आज्ञा दी है माता ने तो मुझे माननी होगी, कंदरा के भीतर प्रवेश न कर सकते तुम जोगी। माता को दिए वचन पुत्र तो सदा निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, जब विनायक अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भोलेनाथ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और नंदी से कहते हैं, हे नंदी, इस हठी बालक को यहाँ से हटाओ। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर नंदी विनायक को बलपूर्वक हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु विनायक टस से मस नहीं हुए। इतना देखकर अनेकों ही शिवगण आ जाते हैं और बलपूर्वक विनायक को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं, किंतु अकेले विनायक सभी शिवगणों पे भारी पड़ जाते हैं। सारे ही शिवगण मिलकर भी उन्हें हटा ना पाए, इतना देख कर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आए। भोलेनाथ ने फिर से विनायक को चेताया है, हट जाओ बालक वरना समझो काल तेरा आया है। किंतु विनायक ने तो जैसे सुनी नहीं चेतावनी, शिवगण और विनायक में हो रही थी तनातनी। उस बालक पर भोलेनाथ को क्रोध बड़ा ही आया, क्रोधित होकर भोलेनाथ ने फिर त्रिशूल चलाया। शीश विनायक का त्रिशूल से काट गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सभी शिवगणों ने अपना पूरा बल लगाया, किंतु विनायक को कोई भी वहां से हटा नहीं पाया। इतना देखकर
भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही काट गिराया। इतने में स्नान करके गौरा माता लौट आती हैं। जब उन्होंने देखा कि गणेश मूर्छित पड़े हुए हैं और भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हैं, तो तुरंत समझ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोलेनाथ कहने लगे, ये बालक बड़ा ही जिद्दी था, मुझको यह भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। ना तो इसने मेरी बात मानी और ना ही किसी शिवगण की बात मानी और बल प्रयोग करने लगा, इसीलिए मैंने इसे उचित दंड दिया है। तब भोलेनाथ से माता गौरा विलाप करते हुए कहती हैं, स्वयं ही भोलेनाथ दिया था मैंने इसे आदेश, मेरी आज्ञा बिना करे ना कोई कंदरा में प्रवेश। मेरे ही आदेश का पालन ये तो कर रहा था, आप बताएं भोलेनाथ फिर इसका दोष है क्या? दोष अगर मेरा ही है तो दंड मुझे भी दो, या फिर मेरे पुत्र को भोले जीवित तुम कर दो। कहने लगे भोले, ये तो ना संभव हो पाएगा, खंडित हो गया शीश, वार से कैसे जुड़ जाएगा? सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विनायक को मूर्छित अवस्था में देखकर माता गौरा विलाप करने लगी और बार बार भोलेनाथ से अपने पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगी। किंतु भोलेनाथ ने समझाया कि हे देवी, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि त्रिशूल के वार से विनायक का शीश ही खंडित हो चुका है। जब बार बार विनती करने पर भोलेनाथ नहीं माने तो माता गौरा अत्यंत ही क्रोधित हो गई और कहने लगी, यदि मेरा पुत्र ही जीवित नहीं हो सकता तो फिर मेरे क्रोध की ज्वाला का ताप तीनों लोगों को सहना पड़ेगा। माता का यह विकराल रूप देखकर सभी देवता गण थर थर कांपने लगे। उन्होंने भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, यदि माता की क्रोध की अग्नि भड़क गई तो तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे, अतः हम आपसे विनती करते हैं कि विनायक को जीवित करने का कुछ उपाय कीजिए। आखिर भोलेनाथ भक्तों बड़े ही वरदानी, सब देवों ने विनती की तो भोलेनाथ ने मानी, लेकिन बोले शीश तो इसका खंडित हो गया है, खंडित शीश विनायक का ना फिर से जुड़ सकता है। संभव है तब प्राण लौटने दूजा शीश कोई हो, जीवित कर दूंगा मैं इसे, कोई शीश तुला के दो। किंतु सिर्फ उस बच्चे का जिस बच्चे से माँ निश्चिंत हो करके सोई हो अपनी पीठ घुमा, ऐसा शीश जुड़ेगा भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ ने बताया कि विनायक का जीवित होना तभी संभव है जब इसके लिए कोई अन्य शीश का प्रयोजन हो, लेकिन ध्यान रहे, शीश ऐसे बालक का होना चाहिए जिससे उसकी माता पीठ फेर के सोई हो।
सभी देवता वन की ओर ऐसे शीश की खोज में चल दिए तो स्वयं भगवान विष्णु को भद्रा नदी के किनारे एक वन में ऐसी हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी। भगवान विष्णु उस हाथी के बच्चे का शीश लेकर आ गए और भोलेनाथ के हाथों में सौंप दिया। जैसा भी चाहिए था वैसा शीश मिल गया है, गज का शीश ही भोलेनाथ ने विनायक को दिया है। जोड़ा शीश तो विनायक के फिर लौटाए हैं प्राण, भोलेनाथ वरदानी भी है और है दया निधान। फिर तो विनायक ने भोले से क्षमा याचना की, हाथ जोड़ कहने लग कि मुझसे तो भूल हुई। जीवित देख के पुत्र को माता भी प्रसन्न हो जाए, गज का शीश लगा है इनको गजानन कहलाए। भोलेनाथ के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों इस प्रकार भोलेनाथ ने विनायक को फिर से जीवित कर दिया। भक्तजनों विनायक को गज का शीश लगने के कारण ही इन्हें गजानन के नाम से भी जाना जाता है। जीवित होते ही विनायक ने भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का अधिपति नियुक्त कर दिया, क्योंकि सभी शिवगण मिलकर के भी विनायक को हरा नहीं सके थे। शिवगणों का अधिपति होने के कारण ही इन्हें गणपति बोला जाता है। आइए भक्तों सुनते हैं विनायक को प्रथम पूजनीय होने का वरदान कैसे मिला था। गणेश कार्तिक दोनों ही भक्तों शिव की है संतान, दोनों ही उत्तम है वो तो और दोनों ही महान। एक बार दोनों भाइयों में होने लगी चर्चा, दोनों में से किसको मिले सर्वोत्तम का दर्जा। दोनों भाई आपस में ही जानना चाहते हैं, प्रश्न ये लेकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को है किया प्रणाम, लगे पूछने हम दोनों में बोलो कौन महान। सुनकर उनका प्रश्न ये ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कार्तिक और गणेश का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्काए और कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, आप दोनों विष्णु जी के पास जाएं, हो सकता है विष्णु जी इस प्रश्न का हल कर दें। तब दोनों भाई अपना यही प्रश्न लेकर विष्णु जी के पास आते हैं और उनके चरणों में वंदन करते हुए वही प्रश्न विष्णु जी से भी करते हैं, किंतु विष्णु जी ने भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता जताई और कहने लगे, आप दोनों भाई भोलेनाथ की संतान हैं, तो स्वयं भोलेनाथ ही बताएंगे आप दोनों में उत्तम कौन है। तब दोनों भाइयों ने भोलेनाथ से आकर यही प्रश्न किया। उनका प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, पृथ्वी का चक्कर जो भी पहले लगा कर आए, दोनों भाइयों में सुन लो वही उत्तम माना
गौतम होने का उसे ही मिल जाए अधिकार, और पूजा भी करे प्रथम उसकी सारा संसार। इतना सुनकर कार्तिक तो है हुए अधीर बड़े, लगाने को पृथ्वी का चक्कर लेकर मोर उड़े। लेकिन भक्तो विनायक की तो मूषक की है सवारी, उस पे बैठ के कैसे घूमते सोचो पृथ्वी सारी। अपने बुद्धि बल को विनायक फिर अजमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, भोलेनाथ की बात सुनकर कार्तिक तो तुरंत ही अपना मोर लेकर उड़ गए और सोचने लगे, सर्वोत्तम होने का स्थान तो मुझे ही प्राप्त होगा। किंतु भक्तों, गणेश जी का वाहन तो मूषक ही है, कार्तिक से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था। तब गणेश जी ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल किया और मूषक पर सवार होकर अपने मात पिता का चक्कर लगा दिया और कहने लगे, माता पिता का स्थान तो सारे ब्रह्मांड से ऊंचा है। श्री गणेश की बात सुनकर भोलेनाथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वोत्तम स्थान श्री गणेश को दे दिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही सभी देवताओं में श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। स्वयं ही भोलेनाथ ने इनको दिया है वरदान, बुद्धि बल के कारण मिला है इनको प्रथम स्थान। इनके बुद्धि बल को भोले ने भी मान लिया, प्रथम पूजनीय होने का भी तब वरदान दिया। श्री गणेश की भक्तों यही तो पावन गाथा है, डीएस पाल भी करके नमन भक्तों को सुनाता है। हंस राज रल हन चाहता है ऐसी कथाएं सुनना, फौजी सुरेश लिखता जाता है श्री गणेश वंदना। सुनते हैं जो भक्त बड़ा ही पुण्य वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया।
नायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि
विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया।